ओम शांति। आप सबको स्वागत है। और अब हम कर रहे हैं 27 सितंबर के ईश्वर वरदान की, जहाँ पर कि परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम इच्छाओं के पीछे भागते भागते, देखिए दुनिया तो सब कहती है देखो इच्छाएं ज़्यादा करोगे ना तो फिर सर दर्द होगा, या इच्छाएं रखनी चाहिए है ना, डिज़ायर्स तो होनी चाहिए, हम क्यों कम रहे, हमारे पास तो होना चाहिए, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये दो चॉइसेस हैं, दो वैरायटी की चीज़ें हैं और दो वैरायटी के लोग हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं। तो आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं वो आपको स्पिरिचुअलिटी गाइड करती है। और स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि आप एक बेहद की आत्मा हो, बेहद की ऊर्जा हो, बेहद की शक्ति हो। आपकी आइडेंटिटी, चाहे लोग आपको फिजिकल आइडेंटिटी से भापें, धन की आइडेंटिटी से भापें, आपकी पोस्ट पोजिशन की आइडेंटिटी से भापें, लेकिन आप अपने आप को किससे भापते हो वो इंपॉर्टेंट है। ये देखो एक सिक्के के दो पहलू हैं, लोग मुझे कैसे देखते हैं और मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली देख सकते हो और आपको कोई असर नहीं पड़ता, कोई आपके बाजू वाला 10 मंजिली घर बना ले, या कोई आपके आजू बाजू वाले की तरक्की हो जाए, आपके भाई बहन की तरक्की हो जाए और वहीं की वहीं रहे हो आप। परमात्मा कहते हैं कि आपकी तरक्की इसमें है कि आप कुछ ना होते हुए भी कितने खुश रह सकते हो। यह है रियल तरक्की, यह है रियल स्पिरिचुअलिटी। और यह आसान है क्योंकि आज ब्रह्मा कुमारी जी सिखा रही है हम सबको। तो देखें आज का वरदान परमात्मा कहते क्या है। परमात्मा कहते हैं स्वमान में स्थित, स्व का मान, स्व पहले, स्व तो पहचान है हम, स्व है कौन, स्व मतलब मैं हूँ कौन। तो एक स्पिरिचुअल इन्फाइनाइट एनर्जी, इन्फाइनाइट बींग जो मैं हूँ, आपसे इस शरीर के द्वारा बात कर रही हूँ मैं आत्मा, कर रहा हूँ मैं आत्मा, डजेंट मैटर, बिकॉज ये जो एनर्जी इसका कोई मेल फीमेल नहीं होता। फिजिकली आप मेरे को देख रहे हैं तो आप मेरे को लड़का देख रहे हैं, लेकिन मैं जो आत्मा अंदर से हूँ, मैं ना मेल हूँ ना फीमेल हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ जो कि इस मेल बॉडी के थ्रू आपसे बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, डजेंट मैटर। तो परमात्मा कहते हैं स्वमान में स्थित रहे हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्र मा वित्त भवा। जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद की मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। फिजिकल नाम मान शान कि भैया मैं जाऊं तो मेरा एक कोई पुतला बना दे, या मैं मेरे एक जिस दिन देहांत हो तो मेरे को बहुत सारे लोग मिलने आए मुझे, या मेरे को कोई स्टेज पे बुला रहे, या मेरे को कोई अवार्ड दे दे। इन सारी इच्छाओं से दूर होते हैं तब जाके वो किसी का भला कर पाते हैं। लेकिन जो इच्छा वाले होते हैं वो भला कर रहे होते हैं भल, लेकिन इच्छा के साथ में तो मिलावट हो जाती है थोड़ी सी। आप किस कैटेगरी में सोचिएगा। परमात्मा कहते हैं, फिर आगे कहते हैं, एक सोमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती हैं, मांगने की इच्छाएं नहीं रहती और मांगने की आवश्यकता भी नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं, ना मान शान की इच्छा, धन दौलत की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर वो खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि खुशी फिजिकल नहीं है ना, सुख फिजिकल नहीं है। सुख के लिए आप अच्छा बिस्तर, सोने का बिस्तर भी लगा रहे हो, लेकिन सुख फिजिकल नहीं है। क्या आपने प्यार को कभी छुआ है, सुख को कभी छुआ है, खुशी को कभी छुआ है, आनंद को कभी छुआ है, प्रेम को कभी छुआ है? तो आप ढूंढ क्यों रहे हैं गलत जगह पर। फिर परमात्मा कहते हैं एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है। मुझे एक चीज़ ये चाहिए, अब ये भी चाहिए, अब वो भी चाहिए, अब ऐसे भी चाहिए, वैसे चाहिए, तब जाके मेरे को लगेगा कि मैं हाँ कंप्लीट हूँ मैं, ना मैं कंप्लीट नहीं हो सकता इन चीज़ों से। और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। स्वमान, रियल सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मैं एक ऊर्जा हूँ और मैं मुझ ऊर्जा के संकल्प किस क्वालिटी के हैं उसके अनुसार मेरे को सुख शांति प्रेम आनंद मिलेगा। कितनी प्योर क्वालिटी के मेरे थॉट्स हैं उसके अनुसार मेरे को सुख शांति प्रेम आनंद खुशी महसूस होगी, क्योंकि आप इन चीज़ों को महसूस कर सकते हो, उनको आप खरीद नहीं सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं को सहज ही संपन्न कर देता है, इसलिए स्वमानधारी बनो, स्व के मान में, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहा करो पूरे दिन में, तो स्व प्राप्ति शुरू बन जाएंगे, अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। कि मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, मेरे भाई को ये मिल गया, मेरी बहन को ये मिल गया, मेरे को पति को ये मिला, मेरे को नहीं मिला, मेरे को गिफ्ट नहीं मिला, उसको गिफ्ट मिला, मेरे को बर्थडे विश नहीं किया, उसको बर्थडे विश किया। ये छोटी छोटी बातों में आप दुखी नहीं हो गए, आप डिप्रेस नहीं हो गए। कैसे करें सब कुछ, ब्रह्मा कुमारीज में आए, नहीं तो आप 1 अक्टूबर को जो होने वाला है सेशन, इंट्रोडक्टरी सेशन, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी, जितना टाइम परमिट करेगा उसमें आकर के आप सुने, तो आपको भी स्वागत है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें 8918520787 में। इसके साथ ओम शांति।